Now we will study chemical properties of alcohols and phenols. Now see, these can react in two ways. Chemical properties में कहते हैं दो तरीके से react कर सकते हैं. जैसे कि आपका alcohol है R OH. Let me make it like this. R OH. ये aromatic भी हो सकता है. Aromatic मतलब benzene के साथ OH लगा है या फिर alkyl के साथ OH लगा है. तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, क्लीविंग ऑफ ओ एच बॉन्ड. ओ और एच का बॉन्ड टूटेगा. तो जब ओ और एच का बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या बनेगा, एरोमेटिक के साथ आएगा तो फेनोक्साइड आयन. फेनोक्साइड मतलब कि एरोमेटिक अगर बेंजीन होता ये तो ये क्या बन जाता, ऐसा था बन जाता ओ माइनस. ठीक, और अगर अल्कोहल होता तो ये आर ओ माइनस, तो ये क्या बना आपका फेनोक्साइड आयन और ये एल्क ऑक्साइड. एल्क ऑक्साइड आयन और आपका H प्लस निकल जाता. ठीक है, तो यहां पे जब O और H का बॉन्ड क्लीव होगा, जब व्हेन द बॉन्ड बिटवीन O एंड H इज क्लीव्ड तो इट विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल. कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. ये तो हो गया एक तरीके से रिएक्शन होंगी. अच्छा, सेकंड केस में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा. ये कोई भी कार्बन के साथ ही तो ऑक्सीजन कनेक्टेड है ना, आर या एआर के साथ कनेक्टेड है. तो नाउ जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो सिचुएशन कैसी की हो जाएगी, इट विल बी लाइक ये बॉन्ड टूटेगा. तो आप देखिए यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर भी प्लस चार्ज, तो कार्बो कैटायन टाइप का बन जाएगा. कैसा बन जाएगा, कार्बो कैटायन. आर के ऊपर प्लस और इधर जो भी बेंजीन लेंगे एरोमेटिक के ऊपर प्लस और आपका क्या बन जाएगा, OH माइनस. तो नाउ इन दिस केस ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. तो वी विल टेक दीज टू वन बाय वन. पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड इज cleaved. फिर बाद में हम पढ़ेंगे reactions in which carbon and oxygen bond is cleaved. फिर से एक बार बता, I am telling you again, जब O और H के बीच में bond cleaved होगा, O और H के बीच में ये bond टूटेगा तो H plus ion हट जाएगा, केवल इतना रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, phenoxide या फिर alkoxide ion, negatively charged, जो कि nucleophile की तरह बिहेव करेगा. और सेकेंड केस, अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो ओ एच माइनस अलग हो गया और आर प्लस या फिर ए आर प्लस, तो ये कार्बो कैटायन की तरह बिहेव करेगा. इट विल बिहेव एज कार्बो कैटायन. दैट मींस इट विल बिहेव एज, नाउ इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल. ओके, तो ये दो तरीके से हम रिएक्शन हमारी टेक प्लेस होंगे. नाउ वी विल सी केस वन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओएच बॉन्ड. हम वो रिएक्शन देखेंगे जिसमें ओएच बॉन्ड क्या हो रहा है, क्लीव हो रहा है. तो यहां पे पहला क्या है, इसमें फर्स्ट क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स. रिएक्शन विद मेटल्स, तो ये यहां पे आपका जो है, यहां पे अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे. तो हेयर मेटल विल alcohols and phenols will react with metal to form organometallic compound and release hydrogen gas. Let us see how. अब देखिए ये आपका R OH है, ये आपका क्या है, R OH. इसको सपोज हम सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, किसके साथ, सोडियम के साथ. तो अब आपको क्या मिलेगा, देखिए ये OH बॉन्ड टूटेगा तो H हटा, H क्या है, प्रोटॉन हटा, H प्लस आयन. तो H प्लस आयन जब हटेगा दैट मींस उसकी जगह कोई दूसरा पॉजिटिव आयन लेगा, तो Na प्लस, Na एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको H प्लस को दे देगा. देखो जैसे यहाँ पे जैसे H प्लस बना तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा और Na प्लस बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा. ओके, तो जब Na प्लस बन गया तो Na प्लस अब इस पर अटैक कर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये वाला पार्ट नेगेटिव पार्ट है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट है. तो जैसे ही एल्क ऑक्साइड आपका बनेगा, क्या बनेगा, एल्क ऑक्साइड आपका बनेगा, तो
सोडियम आयन उस पे अटैक करेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, आर के साथ ओ एन ए, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ टू 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 लगा दो, या यहाँ पे हम डायरेक्टली हाफ लगा देते हैं, आई कैन यूज हाफ, तो बैलेंस कर दिया, नहीं भी बैलेंस करते देन ऑल्सो इट इज ओके। तो ये क्या बन गया आपका, सोडियम एल्क ऑक्साइड, सोडियम एल्क ऑक्साइड ये हमारा बन गया। सिमिलरली अगर समूह सपोज फिनॉल होता, सपोज फिनॉल होता OH, अगेन सेम रिएक्शन विल टेक प्लेस, अ फेनॉक्साइड आए तो क्या बन जाएगा, नाउ व्हाट यू विल गेट इज देयर विल गेट ONa प्लस हाफ H2, तो व्हाट यू गॉट इज सोडियम फेनॉक्साइड, व्हाट यू गॉट इज सोडियम फेनॉक्साइड आयन। अच्छा नाउ ये तो हो गया, अगर मान लो ट्राइवेलेंट 13 ग्रुप के किसी मेंबर के साथ अगर रिएक्शन होती, तो लेट मी रेज दिस, सेम प्रोसेस है, सपोज यहाँ पे एल्युमिनियम होता, अगर क्या होता एल्युमिनियम होता Al, ओके, तो अब आपकी रिएक्शन क्या होती, Al के ऊपर 3+ होता है तो ये इधर देता, तो आपका क्या होता आर ओ ऑथराइज Al। अगर हमें ऐसे भी लिखना है इसको एक्सटेंड करके, तो एल के साथ ओ आर एंड ओ आर, ओके, तो एल्युमिनियम एल्क ऑक्साइड, और बाकी आपका क्या बन जाता है H2 बन जाता है, क्या बन जाती H2 गैस बन जाती। अगेन नाउ इफ यू वांट टू बैलेंस दिस, अगर हम इसे बैलेंस करते तो यहाँ पे क्या लगा दोगे 6, तो यहाँ क्या जाएगा 3, यहाँ पे टू सिक्स, टू सिक्स एंड विल बी 3, तो ये आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो दिस इज हाउ द अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट विद मेटल, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग हैपेंस इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस अल्फिनॉल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो। सी अब देखो H2 अभी तक रिलीज हो रहा था जब सिंपल मेटल था, लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, अगर क्या आ जाएगा हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, सपोज ये फिनॉल है, तो ये क्या है आपका फिनॉल हो गया, आपका क्या आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, तो आपका इधर तो वही रहेगा O के साथ Na आ जाएगा, तो ये H हटेगा, तो H और OH मिलके क्या बना लेंगे H2O। जब केवल सोडियम था देन व्हाट इट वाज यील्डिंग हाइड्रोजन गैस, बट नाउ व्हाट इट विल यील्ड वाटर, ये आपका क्या आ गया H2O, और प्लस ये वाला पार्ट आपका ये क्या क्या रहा आपका सोडियम एल्क ऑक्साइड, ओ सोडियम फेनोक्साइड। नाउ अब जितनी भी रिएक्शन हमने अभी देखी, इसमें जो भी हमने रिएक्शन देखी, व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज, चाहे अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, क्या दे रहे हैं H+ आयन दे रहे हैं, दे आर गिविंग H+ आयन, और वी कैन से प्रोटॉन। तो इन दिस रिएक्शंस अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एक्टिंग एज अ प्रोटॉन डोनर, व्हेन दे आर एक्टिंग एज अ प्रोटॉन डोनर दैट मींस दे आर बिहेविंग एज ब्रॉन्स्टेट एसिड, ओके, तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, दैट मीन्स अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर बिहेविंग लाइक एसिड। अब वी विल स्टडी अबाउट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ दीज, ओके। नाउ वी विल सी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। तो नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, तो व्हाई एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, OH बॉन्ड का जो आपका, इसके पोलर नेचर की वजह से इसकी एसिडिटी होती है। बट अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे ये कार्बन है OH है, इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच होगा, सपोज ये R है लाइक एल ग्रुप, तो कार्बन ये इलेक्ट्रॉन इधर को ढकेलेगा इसकी तरफ, तो
OH की पोलैरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो पोलैरिटी जैसे ही डिक्रीज होगी, जैसे ही पोलैरिटी OH की डिक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। तो नाउ अब ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से पोलैरिटी, क्या पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीजेस। अब क्वेश्चन ये आता है पोलैरिटी डिक्रीज हो कैसे जाती है, लेट मी शो यू दिस। तो पोलैरिटी डिक्रीज हो गई तो दस, लेट मी राइट इट फर्स्ट, दस एसिडिक कैरेक्टर, दस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तभी इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नाउ लेट सी हाउ पोलैरिटी डिक्रीजेस। सी होता क्या है, अभी क्या है सी OH, ओके, तो अभी ये पोलर है पॉजिटिव, बट अब यहाँ पे R आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पर इधर को शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पर शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, तो पोलैरिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव पॉजिटिव पोलर है, ये आने लगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो पोलैरिटी खत्म हो जाएगी। जैसे कि अगर हम क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना रहे तो ये नॉन पोलर है, क्यों, Cl2 सेम पोलैरिटीज, बट H और Cl ये पोलर हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो सेम पोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अब देखो अगर प्राइमरी है, ये H है, ये H है, तो पोलैरिटी थोड़ी सी डिक्रीज हुई, तो अभी एसिडिक कैरेक्टर है, बट अगर यही ऐसा हो गया तो अब यहां से और यहां से पोलैरिटी और कम हो गई, एंड इन केस ऑफ टेरेशरी पोलैरिटी और कम होगी। तो दिस मीन्स प्राइमरी इज मोस्ट एसिडिक, देन कम सेकेंडरी और टर्शियरी, सबसे कम एसिडिक होगा इन केस ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, अल्कोहल्स आर आल्सो वीकर एसिड देन वाटर, अल्कोहल्स क्या वीकर एसिड Then water. तो sometimes question comes, alcohols और water में कौन ज्यादा अच्छा proton donor है, तो water is better proton donor than alcohols. Okay? Now we will see acidity of phenols. Acidity of phenols. ठीक है. Now in phenols, what you will see in phenols? The hydroxyl group, OH group, is directly attached to the carbon. जिस कार्बन से वो अटैच्ड है वो कैसा hybridized है? sp2 hybridized कार्बन से अटैच्ड है फिनॉल में। जो आपका OH group है, hydroxyl group is attached to sp2 hybridized कार्बन। तो इसकी वजह से क्या होता है? Resonance होता है। Now let us see. तो इसकी वजह से क्या होता है? Resonance होता है। Let me show you. ये आपका है सपोज OH, ओके। अब ये जब यहाँ शिफ्ट होगा, वी नो दिस, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वी वेरी वेल नो रेजोनेंस। तो जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा OH और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, दिस एंड दिस विद नो, नो ये वाला जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, दिस ऑल्सो वी नो वेरी वेल, ये तो पॉजिटिव H, हेयर नेगेटिव, एंड दिस, नाउ दिस विल कम ओवर हेयर एंड ये यहाँ पे आ जाएगा, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है यहाँ पे हमारा, ओके। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड, ये आ गया,
एक लोन पर बचेगा एम सोन। ओके नाउ दिस पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ये वापस चला जाएगा। ओके आपका क्या बनेगा? तो जब ये रेजोनेंस हो रहा था तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि ओ के ऊपर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। कुछ देर के लिए क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दैट मीन्स इट विल इजिली रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम इट। तो ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये एच प्लस आयन को आराम से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। आराम से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो इट अब बट इन केस ऑफ अल्कोहल क्या हो रहा था? आर ओ एच, वहां पे इसके ऊपर पोलैरिटी चेंज हो रही थी, इस वजह से रहा था। ऑक्सीजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो दैट मीन फ्रॉम हियर एक कंडीशन में पता चल गई कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। फर्स्ट थिंग, एक तो ये रीजन हो गया। सेकंड रीजन, जब ये एच प्लस आयन दे देगा, जब फिनॉल एच प्लस आयन दे देगा तो क्या बन जाएगा? फेनोक्साइड आयन बचेगा। क्या बचेगा? फेनोक्साइड आयन। अब देखो, हमने क्लास 11th में वी हैव ऑलरेडी ऑलरेडी स्टडीड कि मोर आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज द कंपाउंड। तो लेट अस सी अबाउट फेनोक्साइड आयन। तो ऐसे ही सिमिलरली जब आपका फेनोक्साइड आयन बनेगा तो एच प्लस आयन उसने ले लिया और माइनस। ओके तो ये आपका बना फेनोक्साइड आयन। अब ये रेजोनेंस शो करना शुरू करेगा। ये वाला पार्ट जब यहाँ आएगा और ये यहाँ, ये पूरा जब ये अगेन आई एम टेलिंग मी जब आता है तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर आता है। तो लेट मी टेल यू, अगर आप कंफ्यूजन है कोई, इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन कि नेगेटिव चार्ज आता कैसे है, देखो हुआ क्या आगे, लेट मी शो यू वंस अगेन, मे बी यू माइट हैव फॉरगॉट। यहाँ पे ये पूरा पेयर इस पे आ गया, तो डबल बॉन्ड आ गया ओ, तो डबल बॉन्ड आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, बट पॉजिटिव और ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गए। ओके अब इस कार्बन ने एक तो अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ओके बट क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन छीना तो इस पे पॉजिटिव आना चाहिए था, बट इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी तुरंत आ गया। जैसे इसके पास से ये इलेक्ट्रॉन गया वैसे ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे न्यूट्रल रहा। ओके तो देख, अब ये पूरा पूरा इसके ऊपर जाएगा तो यहां बॉन्ड बन जाएगा। अब वही प्रोसेस आपका चलता चला जाएगा। नो दिस विल कम हियर एंड ये यहां पर आ जाएगा। इनफिनिटी हियर और ये तो ये फेन ऑक्साइड आयन हमारा बन गया। ओके इसने इतने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किए, बट अगर हम एल ऑक्साइड आयन की बात करें, आर है ओ एच है, ये टूटा तो आपका आर ओ माइनस बन गया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने शो नहीं कर पाएगा। इट विल नॉट बी एबल टू शो दिस मच ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दैट मीन्स इसका मतलब जो फेन ऑक्साइड आयन है, फेन ऑक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन। दैट मीन्स फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। दैट ऑल वी कैन से फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। एंड वन मोर थिंग, इफ अगर अब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, पैरा ऑर्थो 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 एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे कोई, अगर जैसे कि NO2 अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा दिया जाता है, इफ एनी ऑर्थो एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज एडेड टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल, देन इट्स एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। इट्स एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ओके नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी फर्दर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड। इन दैट कम्स वन इज ईस्टरीफिकेशन। वी विल स्टडी अबाउट
एस्टरीफिकेशन, ओके।